जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र सभी नामों पर गौर करने के बाद हम सब लोग और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग तीन दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल। और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहाँ से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में उन्होंने राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव विद एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।